हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी स्ट्रीट फोटोग्राफ को जब मैं अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे या मैं कहीं पे भी डालता हूँ तो उसमें मैं अपने कैप्शन क्यों नहीं डालता कभी, या फिर कोई भी स्ट्रीट फोटोग्राफर जो है वो स्ट्रीट फोटोग्राफ के अंदर कैप्शन क्यों नहीं डालता है। तो ये क्वेश्चन है, कई लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में उसका आंसर दिया जाए। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसा हमारा टारगेट है मार्च में 1000 सब्सक्राइबर तक का, तो गाइस मेरी वीडियो को शेयर करें और उन्हें देखें जो भी आपको अच्छी लग रही है, जो भी आपको पसंद आ रही है स्ट्रीट फोटोग्राफी की। मतलब बेसिकली मैं बनाता हूँ, उसके अलावा भी मैं बनाता हूँ। मतलब बेसिकली मेरा मेन 80% कंटेंट स्ट्रीट का होता है, लेकिन 20% मैं और अदर रिलेटेड फोटोग्राफी जो है वीडियोज़ वो भी बनाता हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, देखिए, जब भी हम स्ट्रीट फोटोग्राफ को किसी भी जगह अपलोड करते हैं तो हम उसमें कैप्शन इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आप कभी भी कोई फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई भी फोटोग्राफ दिखाता हूँ और मैं उसकी स्टोरी बता देता हूँ नीचे लिख के कि इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप फिर उस स्टोरी को या फिर उस फोटोग्राफ को उसी तरीके से देखेंगे। अगर आपने वो स्टोरी पढ़ ली तो आप फिर उस फोटोग्राफ को एक मैं आपके उस फोटोग्राफ के और आपके माइंड के आसपास एक वॉल क्रिएट कर दूंगा अपने कैप्शन के थ्रू कि आप उससे बाहर ना जा पाओ। यानी कि आप उतने ही उसमें सोचो कि हाँ यार, ये फोटोग्राफ में ऐसा 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 हो रहा है। बट स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या करता है, वो मेरे ओपन कर देता है, आपके लिए ओपन एंडिंग है। उसकी कोई क्लोज एंडिंग नहीं है। ओपन एंडिंग आपको हो सकता है किसी को फोटोग्राफ पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, कोई कुछ और इंटरप्रेट करे स्टोरी फोटोग्राफ को देख के, मैं कुछ और करूँ, तीसरा बंदा कुछ और करे। तो इसलिए हम कभी भी कैप्शन नहीं रखते अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफ्स के अंदर, बिकॉज वो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। और अगर आप जैसे डॉक्यूमेंट्री करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स होते हैं तो उनके लंबे लंबे कैप्शन होते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज होती हैं, बट ऐसा स्ट्रीट में नहीं होता है। क्योंकि स्ट्रीट में एक होता है कि हो सकता है कि आपको इस फोटोग्राफ में कुछ और दिख रहा हो, मेरे को कुछ और दिख रहा हो, लेकिन अगर मैं स्टोरी लिख देता हूँ कैप्शन में तो आपको भी फिर वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा स्ट्रीट में नहीं होता है। स्ट्रीट बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर फोटोग्राफ को लेके। हो सकता है कोई फोटोग्राफ आपके साथ कनेक्ट करे, कोई ना करे। सो गाइस, ये इसका मेन रीज़न है। इस वजह से हम कभी भी अपने जो कैप्शंस हैं वो डालते नहीं है स्ट्रीट फोटोग्राफ्स के अंदर। सिर्फ ये लिख देते हैं कि भाई कहाँ पे क्लिक करी गई, दिल्ली या फिर गुड़गांव या फिर ईयर, बस इस तरीके से हम डन करके छोड़ देते हैं। हम एक ओपन एंड नहीं दे देते अपने फोटोग्राफ को कि भैया आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी क्रिएट कीजिए, जो भी आपको लगता है इस फोटोग्राफ को देख के, जो भी फील होता है आपको, तो अपने हिसाब से फील कीजिए इस फोटोग्राफ को, या आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप जो कनेक्ट कर पा रहे हैं वो। हो सकता है कोई भी फोटोग्राफ जो है मैं कुछ और देख पा रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा अच्छी मेरी खुद की फोटोग्राफ को आपको ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएँ, आपको कुछ और ही उसमें स्टोरी दिखे और तीसरे बंदे को कुछ और ही उसमें स्टोरी दिखे। तो इस वजह से हमारे कभी भी कैप्शंस नहीं होते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफ के अंदर, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं चीज़ों को लेके। सो आई होप गाइज आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफ में कैप्शन क्यों नहीं दिए जाते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं या जो बिगनर हैं, क्योंकि गाइस जैसे हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो हमें पूरा करना है। सो हो ना हो एक कोशिश तो कर सकते हैं हम। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।